मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देते हुए घोषणा पत्र में लिखी बातों को पूरा करने पर सवाल किया है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी को किसी के भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार के अवसर खोले गए हैं। नौजवान उनसे जरूर पूछे, आज मेरी प्रार्थना है नौजवानों से कि 15 महीने की सरकार में क्या मध्य प्रदेश में एक भी वैकेंसी निकली क्या? मेरी प्रार्थना है उनसे, नौजवानों से, कि वो कमलनाथ जी से जरूर पूछें आज कि 15 महीने में कोई भी एक नौकरी मध्य प्रदेश में वो दे पाए क्या। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की वैसे तो भाजपा को कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो अच्छा है कि वो हमला करें, विपक्ष में है तो ये उनका काम है, पर ट्विटर के माध्यम, पेपर के माध्यम से नहीं, सड़क पे भी आके करें तो नौजवान उनको बताएगा कि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया वो विरोध कर रहे हैं, जिनने एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया वो विरोध कर रहे हैं, जिनने एक वैकेंसी निकाली नहीं वो विरोध कर रहे हैं। अरे हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, इसमें विरोध कैसा? आपको करना था आप नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हो। यही तो एक अचंभा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो सक कैसा और नहीं है तो हक कैसा? विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। वन नेशन वन राशन, एक देश एक टैक्स, GST लेके आए, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं होंगे, उसको खत्म करने वाले एक विधान एक निशान एक झंडा, ये करने वाली केंद्र सरकार है, और उन्हीं ने आज पर एक देश एक परीक्षा करके नौजवानों के लिए व्यापक अवसर खोले।